गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे स्टार्ट विथ यूनिट फर्स्ट, फंक्शनल एनालिसिस. बाय द स्केलर्स वी मीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. बाय द स्केलर्स वी मीन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर. और द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी डैश. ए लीनियर स्पेस और ए वेक्टर स्पेस is an additive abelian group whose elements are called vectors with properly that any scalars alpha and any vector x can be combined by an operations called scalar multiplications to yield a vector alpha x in such a manner that four properties are given. First one is alpha into mein x plus y is equal to alpha x plus alpha y. सेकेंड वन इज अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस में बेटा एक्स. थर्ड वन इज अल्फा बीटा इंटू में एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू में बेटा एक्स. वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में वन विच इज इक्वल टू एक्स. फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा और बेटा एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू लीनियर स्पेस, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल और कॉम्प्लेक्स स्पेस. देन identity into A is equal to, fifth property is identity into A is equal to A into my identity. देखिए जो लीनियर स्पेस है या फिर हम उसे लीनियर स्पेस भी कह सकते हैं और वेक्टर स्पेस भी कह सकते हैं, ये कोई एक एडिटिव एबिलियन ग्रुप होगा जिससे के सारे एलिमेंट्स को बेटा आप वेक्टर्स कहेंगे विद द प्रॉपर सेट दैट जिसमें जो स्केलर रहेगा वो अल्फा का रोल जो होगा वो स्केलर करेगा और वेक्टर आपका एक्स से डिनोट होगा जो कंबाइंड ऑपरेशन से ऑपरेट मतलब कंबाइंड ऑपरेशन से वर्कआउट करेंगे. इट्स कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. जब आप अल्फा एक्स लिखेंगे तो दैट मीन्स इट्स कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब इसकी फोर प्रॉपर्टीज हैं. फोर प्रॉपर्टीज मीन्स फर्स्ट वन इज आप ये कह सकते हो कि अल्फा इंटू में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी अल्फा एक्स. ओपन कीजिए ब्रैकेट, अल्फा एक्स प्लस में क्या आ जाएगी आपकी अल्फा वाई. वेन वी टेकन द टू स्केलर्स अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स. एक्स इज अ वैक्टर, अल्फा प्लस बीटा इज स्केलर्स. देन अल्फा एक्स प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास बीटा एक्स. थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन की, अल्फा बीटा इंटू में क्या ले लें आप एक्स को ले लें विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा इंटू में वी कैन रिटर्न अल्फा इंटू में बीटा एक्स. फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्या आ जाएगी आपके पास आइडेंटिटी, वन इंटू में एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में वन इट इज इक्वल टू एक्स. एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी में भी वन इंटू में क्या ले लें एक्स या फिर वन, जैसे मान लो आप ए को डिफाइन करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ए इंटू में वही मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी रहेगी. ओके देन आप ये कहेंगे ऑल द स्केलर्स अल्फा एंड बीटा एंड एक्स वाई आर बिलोंग्स टू रियल एंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके नेक्स्ट देखिए, देन द टू प्राइमरी ऑपरेशंस then two primary operations in a linear space additions and scalar multiplications are called the linear operations and its zero element is usually referred its as origin. जो आपके दो प्राइमरी ऑपरेशंस होंगे लीनियर स्पेस में एडिशन रहेगा एक ऑपरेशन, एक सेकंड ऑपरेशन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर कॉल्ड द लीनियर ऑपरेशंस एंड इट्स जीरो एलिमेंट इज यूजली रेफर्ड. जो जीरो है उसे आप कहाँ रेफर करेंगे ओरिजिन पे. ए लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ए रियल लीनियर स्पेस और एक कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस. आप एक लीनियर स्पेस को रियल लीनियर स्पेस भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग एज द स्केलर आर द रियल और ए कॉम्प्लेक्स. मैंने आपको बताया था कि जो आपके अल्फा बीटास रहेंगे स्केलर्स आपके रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेंगे, तो आप ये कह सकते हो जब वो रियल से बिलोंग करें तो रियल लीनियर स्पेस एंड व्हेन वी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस देन सेट टू कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस. स्केलर्स आर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर. रिमार्क है आपके पास, ए लीनियर स्पेस मे कंसिस्ट सेफली ऑफ द वैक्टर जीरो विद स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय दिस. अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे अल्फा इंटू में एक्स की जगह क्या रखेंगे जीरो इज इक्वल टू क्या जाएगी जीरो. फोर होल किसके लिए अल्फा के लिए. वी रेफर टू दिस लीनियर स्पेस एज द जीरो स्पेस.
ये क्या कह रहा है कि आप इस वे से फिर इसको क्या डिफाइन कर देंगे, ये जीरो स्पेस बन जाएगा। जीरो स्पेस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कर्ली ब्रेसिस इनटू में क्या जाएगा आपके पास, जीरो। मैनी एग्जाम्पल्स आर गिवन दैट, फर्स्ट एग्जाम्पल सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर विथ ऑर्डिनरी एडिशन एंड क्या है आपके पास, मल्टीप्लीकेशन टेकन एज द लीनियर ऑपरेशन इज कॉल्ड ए रियल लीनियर स्पेस। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास द सेट आर रेस टू एन ऑफ द एन टपल्स ऑफ लीनियर ऑफ रियल नंबर इज ए रियल लीनियर स्पेस। आपके पास क्या बात करे, जो ये सारे हैं वो एन टपल्स कहाँ बिलोंग करें, रियल नंबर्स में। ये आपके पास क्यों होंगे, रियल लीनियर स्पेस अंडर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स लीनियर ऑपरेशन। जैसे आपने एक्स को कैसे डिफाइन कर लिया, एक्स वन से लेके एक्स एन तक, वाई को कैसे डिफाइन कर लिया, वाई वन से वाई एन तक, देन एक्स प्लस वाई वी कैन रिटर्न एज एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू, एक्स एन प्लस वाई एन। एंड मल्टीप्लीकेशन आप जब डिफाइन करेंगे बेटे सेट को, तो अल्फा एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स वन, अल्फा इंटू एक्स टू, अल्फा इंटू एक्स थ्री, अप टू जाएगा अल्फा इंटू एक्स की पावर। थर्ड एग्जाम्पल है द सेट सी दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स आर फोर ऑल बाउंडेड कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए लॉजिकल टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स इज ए रियल लीनियर स्पेस। सी इंटू एक्स आर कोई बाउंडेड कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन है जो डिफाइंड है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज ए रियल लीनियर स्पेस अंडर द फॉलोइंग पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन। इफ एफ और जी आर फंक्शन हो जाएंगे इन सी इंटू एक्स आर। Then operation if f and g are functions in c into x, r, then f plus g and alpha f are defined as, आप कैसे डिफाइन करेंगे f plus g into x is equal to f of x plus g of x, then multiplication के according alpha x alpha f into x is equal to alpha into f of x। Okay, next पढ़ेंगे बेटा next lecture।